दोस्तों, Vivo S1 की कामयाबी के बाद अब Vivo अपनी S सीरीज का एक न्यू फोन लॉन्च करने वाला है। इसका नाम रखा गया है Vivo S5। जी हाँ, Vivo S1 के बाद Vivo लॉन्च करने वाला है Vivo S5। ये मोबाइल ऑफिशियली चाइना में 14 नवंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा एंड उसके बाद ये मोबाइल ऑफिशियली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर को पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। काफ़ी अग्रेसिव प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन के साथ ये मोबाइल लॉन्च किया जाएगा एंड इस फोन के की फीचर्स हैं इसका 5 होल वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड इसकी बैक साइड पर इसका 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप। अगर आप इस मोबाइल के लिए एक्साइटेड हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मोबाइल किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा एंड कब तक ये मोबाइल आपको पाकिस्तान में ऑफिशियल मिल जाएगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कीजिए, ऑन कीजिए नोटिफिकेशन बेल को। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट मूव इट। स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो यहाँ पर आपको इस मोबाइल में आपको सेम वही डिज़ाइन मिल जाएगा जो कि लास्ट टाइम आपको Vivo S1 में देखने को मिला था। जी हाँ, वही रेनबो वाला डिज़ाइन आपको इस मोबाइल में भी देखने को मिल जाएगा, पर यहाँ पर चेंजिंग की गई है इसके कैमरे सेटअप पर जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। फ्रंट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इस बार Vivo S5 में फ्रंट साइड पर राइट हैंड पर आपको 5 होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। इट्स अमेजिंग। वहीं पर अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इस मोबाइल में 6.4.4 इंचेस का 5 होल वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी परफॉर्मेंस पर। तो यहाँ पर इस मोबाइल में आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल में लगाया गया है स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट जो कि बेस्ड है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर और इस मोबाइल में आपको एड्रीनो 616 का सीपीयू देखने को मिल जाएगा और इसमें 2 वेरिएंट को लॉन्च किया जाएगा। एक होगा 6 GB और 128 GB के कॉम्बिनेशन वाला और दूसरा होगा 8 GB और 256 GB के कॉम्बिनेशन वाला। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 5 देखने को मिल जाएगी जो कि बेस्ड है वीवो के फन टच OS पर। वहीं पर इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर इस मोबाइल में आपको बैक साइड पर क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इसका जो मेन सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का और अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया ये जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर होगा वो सैमसंग का होगा या सोनी का होगा, अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। इसके अलावा इस मोबाइल में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा एंड लास्ट पर आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। 4K तक वीडियो आप इस मोबाइल से बना सकते हैं, मैक्सिमम 30 FPS तक। फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको 32 मेगापिक्सल का 5 होल सेल्फी कैमरा इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल इस मोबाइल की जो कैमरा परफॉर्मेंस होने वाली है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। वहीं पर अगर इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जिसमें फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। आई थिंक 20 वोल्ट तक आपको इस मोबाइल में फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइस एंड लॉन्च डेट इन पाकिस्तान। और इस मोबाइल का जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट में वो है 50,000 रुपये। 50,000 के प्राइस सेगमेंट में इसको पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा एंड ये मोबाइल फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सो ये था Vivo का S5। आपको कैसा लगा Vivo का S5? क्या ये मोबाइल 50,000 के दूसरे मोबाइल्स को टक्कर दे पाएगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर